असफल मटर जल देंगे उनकी कही बात को उनके उनके अधिकारी के पाठक जी नहीं बोले। आशाएं मर चुकी है सर, आशाएं मर चुकी है। हम लोग बोले ना, अरे सर बोले आप सर देखिए इन आंसुओं पर नमक मत छिड़किए सर, यहाँ बहुत तकलीफ हो रहा है सर। अगर कह दिया होता तो हम क्यों यहाँ पे आते? भरोसा है बिल्कुल है, बिल्कुल निकलेगा सर। अगर निकलेगा तो फिर हम उनको वोट देंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं देंगे, लेटर लगाएंगे। घबरा कहाँ रहा है, लेटर वापस ले लिया गया इसलिए ना हम लोग को रोड पर। भरोसा ना, भरोसा कहाँ, भरोसा लाइक रहेंगे तब ना भरोसा रहेगा। सरकार बिल्कुल डकार लिए, एकदम लेटर निकाल दिए। अरे थ्री का तैयारी करिए, तैयारी थ्री का सुखभाग भी हो गया, तैयारी थ्री। हम लोग को उम्र खत्म हो चुका है, तैयारी थ्री का एग्जाम हम नहीं दे सकते। बीपीएससी शिक्षा का अभ्यर्थी तैयारी टू जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डिमांड कर रहे हैं, और बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 तारीख को गांधी मैदान से ये ऐलान किया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो निकालेंगे आप लोगों का, और लोग उनसे हम बात करेंगे। अरे नीतीश कुमार तो बोले थे। हाँ सर, हम लोग को तो उम्मीद है कि आ जाएगा, क्योंकि सर हम लोग जब आ रहा बहाली तो हम लोग को लगा कि हाँ 1,20,000 बहुत रिक्ति है, हम लोग को हो जाएगा। लेकिन सर हुआ कितना हुआ, तो 73,000 ही, क्योंकि एक बच्चा 68 में भी पास है, 9-10 में भी पास है। नीतीश जी बोला था ना सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना है। नीतीश माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बोले थे 13 तारीख। अब पता नहीं क्योंकि लेटर जारी कर दिए कि सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, टीआरई थ्री लाएंगे। और वो ही नहीं, बिहार के बाहर सबको दे रहे हैं। बात करेंगे क्या कहिएगा, नीतीश जी तो बोला था निकालेंगे। बिल्कुल हम तो कह रहे हैं, नीतीश जी से यही कह रहे हैं कि अभी भी चांस है, अभी भी मौका है, लोकसभा चुनाव से पहले आप दे दीजिए, नहीं तो हम लोग पूरे भारत पूरे प्रदेश में घूम करके और बहिष्कार करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे, नोटा वोट दबाएंगे हम लोग। नोटा दबाएंगे जी, बिल्कुल नोटा दबाएंगे। इसलिए कि आप अगर हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, हम आपको नहीं सुनेंगे। नीतीश जी भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो है, पर देख कहाँ रहे हैं। बोले असफल मटर जल देंगे उनकी कही बात को उनके उनके अधिकारी के पाठक जी नहीं बोले। आशाएं मर चुकी है सर, आशाएं मर चुकी है। हम लोग प्रसाद बोले ना, अरे सर बोले आप सर देखिए इन आंसुओं पर नमक मत छिड़किए सर, यहाँ बहुत तकलीफ हो रहा है सर। अगर कह दिया होता तो हम क्यों यहाँ पे आते? आप यहाँ सर बात कर रहे हैं, आप लोग को मैं बता दूं सर, ये हमारा मित्र है, इसको देख लीजिए, आधा टाई देकर छटे हुए हैं। मैं सर एक मां छटा हूँ, ये सारे मित्र एक मां छटे हुए हैं सर। इतना अगर होते सर तो एक अगर 14,000 सप्लीमेंट्री आया तो 15,000 तो हम लोग को तो हो ही जाता, इसीलिए तो सर हम घर पे सोए हुए थे। लेकिन उन्होंने ना करके हम लोग को जगा दिया है। अभी महोदय कह रहे थे कि लाठी पड़ेगा तो क्या होगा देश प्रेमी की तरफ से। सर अगर लाठी गिरेगा तो एक हड्डी टूटेगा, लेकिन ये जो वार है शरीर का कौन कौन सा अंग टूटा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ सर, पता नहीं जुटेगा भी नहीं जुटेगा। और सर इतना अंदर से तोड़ दिया गया है कि लग रहा है कि सर अब मरने से कुछ चारा ही नहीं बचा। नीतीश जी भरोसा नहीं है। और सर अब हम क्या करें सर, यार थ्री लेके आ रहे हैं बोल रहे हैं। हाँ तो वही ना बात है, फिर भरोसा कैसे करें? जब हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया तो तैयारी थ्री पे भरोसा कैसे कर लेंगे? को आएगा ही आएगा। इसलिए अब देखिए, आप देखिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुखिया 13 तारीख को इसी गांधी मैदान में वादा किए थे, बोले थे कि हम जो भी बाकी है रिजल्ट उस पे जारी कर दिया जाएगा। क्यों नहीं जारी हुआ अभी तक? सब स्कूलों का, सब बच्चों का जो तैयारी थ्री के बाद छोड़िए, पहले मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट, हम लोग तो कह ही रहे हैं। लेकिन जो मुख्य मुद्दा ये भी है कि मेन रिजल्ट में इनका विषय है इंग्लिश में 9th-10th में 4800 सीट आया था नोटिफिकेशन में, और रिजल्ट में मात्र 4000 सीट का आया है, 4000 सीटों पे रिजल्ट आया। भरोसा के लिए बताइए ना। भरोसा है बिल्कुल है, बिल्कुल निकलेगा तो अगर निकलेगा तो फिर हम उनको वोट देंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं देंगे, नोटा दबाएंगे, नोटा दबाएंगे, बिल्कुल दबाएंगे नोटा, नोटा दबाएंगे। अरे बिल्कुल फायदा होगा, क्यों नहीं? आप देखिए हम लोग शिक्षक हैं, अगर हम किसी को पढ़ा सकते हैं तो किसी के बारे में किसी का सोच बदल भी सकते हैं। पूरा गुस्सा में है, बिल्कुल बिल्कुल हम है। और लोग हमसे हम बात करते हैं, क्या कहिएगा? क्या हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आए हुए हैं बीपीएससी के द्वारा? बीपीएससी जो बोलबे की है निकलिए देंगे, काहे घबरा रहे आप लोग? घबरा कहाँ रहा है, लेटर वापस ले लिया गया इसलिए ना हम लोग को रोड पर। नीतीश जी भरोसा ना है? भरोसा कहाँ, भरोसा लाइक रहेंगे तब ना भरोसा रहेगा। नीतीश जी भरोसा ना है? नहीं जी भरोसा कहाँ है, नहीं है। 13 तारीख को खुद अपने चलिए और लोग हैं उनसे हम बात करें। क्या लेकर चल रही सब बैनर लेके चले जी? जी सर हम लोग आए हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग जो सरकार ने वादा किया था, बस उसी वादा को हम लोग जो किए थे उसको पूरा करें। नीतीश जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं? करें जी, बिल्कुल पूरा करते हैं। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आए हुए हैं। फिर कहा रोड जाम कर रहे हैं? जी रोड जाम तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग गए हुए थे उनको बताने के लिए कि हम लोग
रिजल्ट चाहते हैं, सिर्फ आप वादा कर दिए तो पूरा भी तो करना पड़ेगा ना। प्रशासन क्यों आप लोग वहाँ से भगा रहे थे? जी जदयू करेला से? नहीं नहीं, प्रशासन हम लोग भगा नहीं रही थी, हम लोग अपना मांग रख रहे थे, प्रशासन बोल रही थी आप लोग और आगे बढ़िए, जाम लग रहा है, बस वही प्रशासन हम लोग भगा ही नहीं है। हाँ, हम लोग खुद वहाँ से धीरे धीरे भरोसा है जी, नीतीश जी पर उम्मीद है भरोसा? भरोसा तो टूटता हुआ दिख रहा है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अध्यक्ष है अतुल प्रसाद सर, ये भी तो बोले थे निकाल जी, बिल्कुल यहाँ देखिए ना, यस वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन टीआरई 2.0 अगेंस्ट द वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ मल्टीपल रिजल्ट, लेकिन इसको डकार लिए हैं सरकार, बिल्कुल डकार लिए हैं, एकदम लेटर निकाल दिए कि अभी टीआरई थर्ड मतलब नहीं निकलेगा, और टीआरई थ्री का तैयारी करिए, टीआरई थ्री का सुखबाट भी हो गया, टीआरई थ्री हम लोग को उम्र खत्म हो चुका है, टीआरई थ्री का एग्जाम हम नहीं दे सकते, उम्र नहीं समाप्त हो चुका है। चलिए तो इन लोगों का दर्द आप लोग सुन सकते हैं, इन लोग साफ तौर पर कहना है की टीआरई टू तो खत्म हो चुका है, टीआरई थ्री के लिए तो हमारा उम्र नहीं है, और इन लोग साफ तौर पर कह रहे हैं नीतीश कुमार जी से हमें अभी भी उम्मीद है, लेकिन अतुल प्रसाद से भी उम्मीद था जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि टीआरई टू सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन उन्होंने भी ट्वीट करके ये दर्शा दिया कि ये जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है अब नहीं निकलने वाला है, और टीआरई थ्री के निकलो साफ तौर पर कहना कि हमारी उम्र जो है वो खत्म हो चुकी है। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा, तब तक के लिए बहुत बहुत